आप देख रहे हैं 24 यस न्यूज। देखिए लीगली तीन बातें हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि जो उन्होंने सिंधे कमेटी गठित की है वो मराठा समाज के कई लोगों को कुणबी प्रमाण पत्र देगी, यानी उनको ओबीसी में समावेश करेगी। तो एक तरफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम कुणबी ओबीसी के आरक्षण को धक्का नहीं लगाएंगे। अगर इतने सारे लोगों को नई ओर से अगर ओबीसी में शामिल किया गया तो फिर ओबीसी समाज का क्या कहना है वो मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अहम बात जो कानूनी बात है कि वो कह रहे हैं कि जो 2018 का जो देवेंद्र फडणवीस जी ने जो पारित किया था कानून, जो कानून सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी स्टकडाउन किया था, खारिज किया था, उस कानून के बारे में उन्होंने कहा कि हमें क्यूरिटी पिटिशन करेंगे। मेरा नम्रता से अपना कहना है कि क्यूरिटी पिटिशन कोई ये संवैधानिक तरतूद नहीं है। क्यूरिटी पिटिशन संवैधानिक प्रावधान नहीं है। जैसे कि रिव्यू पिटिशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक और पुनर्विचार याचिका डाल सकते हैं जिसको रिव्यू पिटिशन कहते हैं, वो संविधान के धारा 137 के आधार पर संवैधानिक प्रावधान है। अब रिव्यू पिटिशन तो खारिज हो चुका है, तो अब वो कह रहे हैं कि हम क्यूरिटी पिटिशन करेंगे। क्यूरिटी पिटिशन एक सुप्रीम कोर्ट के 2003 के फैसले में नई चीज सामने आई थी कि चलो एक और मौका दिया जाए, लेकिन ये संवैधानिक प्रावधान नहीं है। और क्यूरिटी पिटिशन में कोई नई बात आप नहीं रख सकते। और क्यूरिटी पिटिशन में वही 5 जज जिन्होंने इस कानून को खारिज किया वही बैठेंगे। तो अब उन्होंने तीसरी बात कही है कि हम एक नया बैकवर्ड क्लास कमीशन करके फरवरी में कोई नया कानून बनेंगे। लेकिन जब नया कानून बनाएंगे, एक तो मेरा ये मानना है कि आप फरवरी तक क्यों रुक रहे हैं? फरवरी तो आचार संहिता लगने वाली है, तो यानी इसलिए आप फरवरी की तारीख दे रहे हैं ताकि एक बार आचार संहिता लगे तो सबकी छुट्टी हो जाएगी। तो हमारा ये कहना है कि अगर आपको नया कानून लाना है तो कल विधानसभा का सत्र समाप्त हो रहा है, परसों के दिन आप अध्यादेश लाइए, ऑर्डिनेंस निकालिए जो आपको पूरा अधिकार है, और उस ऑर्डिनेंस को 6 महीने के अंदर विधानसभा में पारित कराइए, बजट सेशन में पारित कराइए। तो आपकी मंशा साफ नहीं है, आप राजनीति करना चाहते हैं। हमारी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।